हमारा प्रिय मित्रों, सुबह संदेश का नया दिन के लिए मेरी तराई में भी तूने मार्ग को मेरे रोशन किया, अंधेरी तराई में भी तूने मार्ग को मेरे रोशन किया। आज का संदेश प्रफुल्ल दास ओएम मात्यू बैंगलोर से वाटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु के वचन के साथ प्रभु को उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया, मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले सप्ताह भी प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरत के संबंध में हम लोग विचार कर रहा था। इस संसार में कई लोग कोशिश करते हैं कि ये समझाने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। कई उदाहरण उन लोग बताता है, उसमें हम लोग दो तीन बात देख लिया है कि परमेश्वर आत्मा है, आत्मा में कोई मांस और हड्डी नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह मांस और लघु के साथ दुनिया में आया, तब तो कैसे परमेश्वर हो सकता है। बाइबल स्पष्ट बताता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। उन्होंने मानव जाति को बचाने के लिए दुनिया में आया, तब उनको एक मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा है। इसलिए 33.5 साल उन्होंने इस संसार में मनुष्य के रूप में जीवन बिताया। उस समय उसको मांस और लघु होना आवश्यक था। प्रभु यीशु मसीह को आरंभ और अंत है, इसलिए वो परमेश्वर नहीं स्थापित करने वाला है। बाइबल ये भी स्पष्ट बताता है प्रभु यीशु मसीह में कोई आरंभ नहीं है। हम लोग वो भी बात देख लिया है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया। वो वचन देखदारी होकर हमारे बीच में डेरा किया, वो बात भी हम लोग देख लिया। तो मुझे सुनने वाला सभी लोग ये स्पष्ट जानना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। कुछ लोग ये बात बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शरीर पर प्रकट हुआ, वही हम लोग देख लिया है। सो उनको शरीर पर प्रकट होना आवश्यकता, ये बात हम लोग देख लिया है। कुछ लोग बताते प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने, क्योंकि पगला कुरिंदियों 11:3 के अनुसार परमेश्वर उसका सिर है। यदि परमेश्वर उसका सिर है तो वो परमेश्वर कैसे हो सकता। यहां पर इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह बता रहा, मैं अभी पिता परमेश्वर के अधीनता में है, पिता परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए इस संसार में आया, इसलिए पिता परमेश्वर सिर है और मैं उनकी आज्ञा पालन कर रहा हूं। प्यारे भाइयों, इससे ये नहीं कहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता परमेश्वर से छोटा है। प्रभु यीशु मसीह खुद बता, पिता और मैं एक ही हूं। कई वचनों से ये बाइबल साबित करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा का बराबरी है। और कुछ लोग ये भी सवाल करता है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, क्योंकि यूहन्ना 8:40 और पहला तिमोथी 2:5 के अनुसार मनुष्य कहा गया है। जरूर मनुष्य था प्रभु, वो बदलहम में जन्म हुआ। उनका जन्म से 700 साल से पहले मीका करके जो भविष्यवाणी का किताब है उसका दूसरा पद में बताया है, बदलहम प्रातः आप में एक पुत्र जनेगी।
प्यारे भाइयों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म पगले ही बताया हुआ है और वो पूरा हुआ बदलगह में। सो 33 साल में उन्होंने अपना महिमा को छोड़कर आया, लेकिन उनका ईश्वरत्व को छोड़ नहीं सकता। लेकिन मनुष्य बनना आवश्यकता कि मानव जाति को बचाने के लिए उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करना आवश्यकता। इसलिए वो पूर्ण मनुष्य था, लेकिन पूर्ण परमेश्वर भी है। यदि मनुष्य नहीं बना है तो उन्हें मनुष्य मानव जाति के बीच में रह नहीं सकता। उनका ईश्वरीय तो में आएंगे तो मनुष्य के बीच में रहना संभव नहीं। इसलिए उन्होंने मनुष्य था, लेकिन अभी राजा होंगे राजा और प्रभु होंगे प्रभु बनकर स्वर्ग में विराजमान है। यीशु क्रिस्त परमेश्वर नहीं है, परंतु वह परमेश्वर का पुत्र है करके काफी लोग बताते हैं। सो पिता परमेश्वर पिता है, प्रभु यीशु मसीह पुत्र है। प्यारे भाइयों, जब प्रभु ने इस संसार में जन्म लिया, उनको एक पद दिया गया, एक सम्मानित पद दिया गया, उसमें कहता परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब पिता परमेश्वर से जन्म होकर के पुत्र के रूप में नहीं जो पुत्र के रूप में आया ये बात नहीं है। उनको एक विशेष सम्मानित पद दिया गया है परमेश्वर का पुत्र के रूप में। और मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 18 पद के अनुसार पिता ने उसे अधिकार भी दिया है। क्या अधिकार दिया? उन्होंने बताया पृथ्वी आकाश और पृथ्वी के ऊपर में सारा अधिकार मुझे दिया गया, प्रभु बता रहा। इसका मतलब पहले अधिकार नहीं है, उनको पहले अधिकार है, ये अधिकार सब छोड़ करके ही आया। ये समझना है तो प्रभु आपका और मेरा जो मन को खोलना है। परमेश्वर मनुष्य बन करके आया। कोई भी स्त्री से जन्मा हुआ व्यक्ति को पाप क्षमा दे नहीं सकता, क्योंकि वो जन्म से पापी है। इसलिए निष्पाप होकर के पवित्र आत्मा से जन्म लिया, तब 33 सालों मनुष्य था, पूर्ण मनुष्य, निष्पाप मनुष्य, साथ साथ वो परमेश्वर था। इसलिए कोई शंका का बात नहीं, स्पष्ट बताना चाहिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था। और परमेश्वर का गुण दिखाया, उन्होंने रोगियों को चंगा दिया, उन्होंने पानी को दाकरस बनाया, 5 रोटी से 5000 को खिलाया, पानी के ऊपर चलकर अपना महिमा दिखाया, और मरे हुओं से प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, आज स्वर्ग में विराजमान है। उस यीशु को, उनका ईश्वरत को अंगीकार करते हुए हमारा मसीह जीवन बिताने में प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमेन।